हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा काबिल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, वो भी 9 दिनों का। इन 9 दिनों में काबिल मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शंस किया है और पहले ही हफ्ते से, मतलब पहले दिन से इसने कमाल कर दिया था। और ये हम समझ गए थे कि ये फिल्म एक अच्छी कलेक्शंस की राह पर चलेगी। पहले दिन में इस फिल्म ने, आपको बताया था मैंने कि 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। दूसरे ही दिन में इस फिल्म ने 18.67 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। तो इससे ही लगने लगा था कि फिल्म एक अच्छी तरह से चलेगी। और अब जाके जो 9वें दिन का कलेक्शन आया, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस 9th डे को, पहले तो 8वें दिन तक का जो कलेक्शन था, फिल्म 85 करोड़ तक पहुंची थी। और इस 9वें दिन में फिल्म ने जो कमाई की है, 9वें दिन वो की है 5.25 करोड़। उसके साथ ही जो फिल्म का जो टोटल अभी तक का हुआ है काबिल का, वो हुआ है 90.63 करोड़। यानी कि फिल्म 90 करोड़ के जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर चुकी है। अब फिल्म को सिर्फ 10 करोड़ चाहिए 100 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए, जो इतना मुश्किल नहीं है। और जैसे कि अब ये जो एक्सटेंडेड वीक था, ये खत्म हो चुका है। एक्सटेंडेड वीक नहीं, वीकेंड था। यानी कि आपको बता दूं, जनवरी 25 को फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन वेडनेसडे था, वेडनेसडे थर्सडे, उसके बाद नॉर्मल जो चालू हुआ वीक फ्राइडे सैटरडे संडे, उस तरह से। तो एक्सटेंडेड वीक वीकेंड था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक का एक्सटेंड वीकेंड। उसके बाद जो वीकडेज थे, यानी कि एक हफ्ता भर खत्म हो चुका है वैसे कहा जाए तो। लेकिन जिस हिसाब से फिल्म रिलीज हुई थी 2 दिन पहले, तो 9 दिन का जो कलेक्शन है वो आपको मैंने इसलिए बताया। तो ये कलेक्शन एक अच्छा खासा कलेक्शन इंडिया से आ रहा था। और जहां तक कहा जा रहा था कि ये फिल्म 50-50 शेयर पर रिलीज होनी थी, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसे 40% ही स्क्रीन मिली इसके मुकाबले, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने कमाल कर दिखाया। और हाल ही में एक अच्छी खबर ये भी मिल रही है कि रईस की जो स्क्रीन काउंट है वो 200 और बढ़ा दी जाएगी सेकेंड वीकेंड के लिए। इसका एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है इसलिए। और हाल ही में मैंने आपको खबर बताई थी कि फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज हो चुकी है। तो पाकिस्तान में 1 तारीख को रिलीज हुई थी, तो वहाँ से भी इसके बिजनेस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहा है अभी तक की जो खबरें हैं। तो उसे आपसे देखते हैं किस तरह से काबिल कमाल करती है इंडिया ओवरसीज मार्केट में। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है, काबिल के जो मेकर्स कहीं ना कहीं जो परेशान थे कि स्क्रीन काउंट का ज़्यादा नहीं मिला है, अब उन्हें मिलेगा और इससे फिल्म की जो कलेक्शंस में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें बात चली तो आपको जरूर बताऊँ। चलिए तक के लिए बाय बाय।